हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल किचन डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे आलू फ्राई। आलू फ्राई बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको आप नाश्ते में कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आलू फ्राई बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमने एक बड़ी कटोरी उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको हमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दो कटी हुई हरी मिर्च है, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, जीरा लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1/4 छोटा चम्मच और नमक स्वादानुसार। तो चलिए आलू फ्राई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया है और इसमें हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा अभी गर्म हो रहा है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा। अब डालेंगे हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे आलू। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, आमचूर पाउडर। अब इसे मिला देंगे। अब इसे हमें हल्का लाल होने तक भूनना है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और गैस को अब हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। इसे लगभग हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया और इसे मिला देंगे। तो ये देखिए, आलू हमारा हल्का लाल हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो आलू फ्राई बनकर तैयार हो गई है। अब इसे आप लोग भी बनाइए और खाइए, फिर बताइए कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।